Hello everyone, today we will solve exercise 3.7 class 5th bow. इससे पहले हम chapter 1 से लेकर exercise 3.6 तक के सभी question के सारे parts हमने solve करे हैं. उन सभी video का link आपको नीचे discussion box में मिल जाएगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी question में कोई problem है तो नीचे discussion box में आप जाकर उस video को क्लिक को link करके वो video देख सकते हैं. Now question number 1 of exercise 3.7. क्वेश्चन वन आपका है, अ गार्डनर वाटर्स वन प्लांट एवरी 7 days एंड अदर प्लांट्स एवरी 3 days. इफ ही हैज वाटर्ड ऑल द प्लांट्स टूगेदर टूडे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द गार्डनर वाटर ऑल द प्लांट्स टूगेदर अगेन. दो ही प्लांट्स हैं, ज्यादा नहीं है. क्या करा, पहले पौधे को वो हर 7वें दिन पानी देता है. जैसे आज दे दिया तो फिर 6 दिन बाद 7वें दिन उसको पानी देगा. दूसरा जो प्लांट है उसको हर 3 दिन बाद पानी देता है. आज इसने पानी दिया, फिर तीसरे दिन पानी देगा, 2 दिन के बाद 3रे दिन बाद पानी देगा. क्लियर. और कह रहा है अगर आज उसने दोनों प्लांट्स को पानी दिया, पहले प्लांट को ही वाटर दिया उसने आज और दूसरे प्लांट को भी दिया. अब पहले प्लांट को तो वो क्या करेगा, 7 दिन बाद देगा आज से, और दूसरे प्लांट को 3 दिन बाद देगा. तो अब बताना है ऐसा कितने दिन बाद मौका आएगा कि दोनों प्लांट्स को पानी दे रहा होगा एक दिन सेम डे. जैसे उसने आज स्टार्ट कर दिया, लिख रहा है कि लिखा था ना कहीं, कहाँ गया, हाँ जी रहा, ही हैज वाटर ऑल द प्लांट्स टूगेदर टूडे. उसने आज एक साथ पानी दिया तो बताओ कितने दिन बाद ऐसा नंबर आएगा कि दोनों ऐसा मौका आएगा कि दोनों पौधे को एक साथ पानी दे. पहले पौधे को हर 7वें दिन दे रहा है और दूसरे पौधे को हर 3rd डे दे रहा है, 3रे दिन दे रहा है ना. तो क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम में, कौन सा नंबर होता है, वो होता है इनका एलसीएम. जैसे फर्स्ट वाटर निकल रहा है, फर्स्ट प्लांट को वाटर करता है 7 डेज में और दूसरे प्लांट को करता है हर 3रे दिन में, और आज एक साथ करा तो कितने दिन बाद नंबर आएगा, वो नंबर वो होगा जो इनका एलसीएम होगा, है ना. इसको देखो, पानी के बजाय हम आपको एक न्यूमेरिकल के तरह समझाते हैं. मान लो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और वो नंबर 7 से डिविजिबल है, तो वो कौन सा नंबर जो होगा, 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा, तो वो क्या होगा इनका एलसीएम. एक तरीके से डिविजिबल हो गया, ऐसा नंबर ऑफ डेज आ जाए 3 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए, तभी तो एक साथ साथ आएंगे, क्योंकि हर 3 दिन बाद पानी देना है इसको, हर 7 दिन बाद देना है. तो 3 और 7 कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, है ना. तो इनका एलसीएम क्या होता है, इसका प्रोडक्ट 3 × 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा. तो आंसर तो यहीं आ गया कि 21 डेज बाद दोनों पौधों को वो द्वारा एक साथ एक सेम डे वाटर करेगा. तो हम समझ में आ गए ना क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं. चलिए करते हैं सवाल को. तो लैंग्वेज लिखना चाहो छोटी मोटी लिख लो, लिख लेते हैं. गार्डनर जो माली है, वाटर्स फर्स्ट प्लांट एवरी 7 डेज, दिख रहा है स्क्रीन पर. इसी तरह लिख लो, गार्डनर वाटर सेकंड प्लांट एवरी 3 डेज था, 3 डे, हर 3रे दिन उसको पानी देता है और पहले पौधे को हर 7वें दिन. तो अब उसने आज दोनों पौधों को पानी दिया तो बताओ कितने दिन बाद ऐसा मौका आएगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे इसने इसको आज पानी दे दिया तो 3रे दिन देगा, उसको 7 दिन देगा, तो दोनों 7 7 तो होगी नहीं, फिर उसके 3 दिन बाद देगा, वो उसके 7 दिन बाद देगा. तो कुछ समय बाद ऐसा मौका आ जाएगा जब सेम डे आ जाएगा जब दोनों में पानी, इस प्लांट में पानी देगा इस प्लांट में, वो हमने बताया क्या होता है इनका एलसीएम. तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम फाइंड कर लो. लिखना चाहो लिख सकते हो, वी विल फाइंड द एलसीएम, या नहीं लिखना डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो, नीचे लास्ट में लिख सकते हैं, वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 7 एंड 3. अब यहां एलसीएम जो निकाल रहे हैं,
आपकी चॉइस, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 7 और 3 इक्वल टू 3 × 7 या 7 × 3। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, दिया प्रोडक्ट है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए, सीखना चाहिए अभी से। तो अपने हम डायरेक्ट लिखेंगे तो एलसीएम ऑफ 3 और 7 इज 3 × 7 21। क्यों, समझ में आ गया? चलो मैं लिख देता हूँ, 3 और 7 आर प्राइम नंबर, 3 और 7 आर शॉर्ट में लिख दिया मैंने प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स का एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट एलसीएम आ गया 21। तो इतने दिन बाद वो उन पौधों को एक साथ पानी देगा। इसमें ये पूछा था कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो लिख दोगे आफ्टर 21 डेज गार्डनर, ये लिखना रहेगा ना, गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स टूगेदर, द प्लांट्स टूगेदर, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, इससे आपको पूरा दिखाई दे जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ये? तो सिंपल सी बात है, हमें कोई ऐसी चीज़ निकालनी हो। देखो क्वेश्चन ये भी आता है कि आपने मान लो टाइम टेबल बनाया कि मंडे को आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी, दो सब्जेक्ट मान लो, एक ही मान लो, दो दिन हिंदी पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन हमने साइंस पढ़ना शुरू करा, और वो हम 3 दिन पढ़ेंगे, और मैथ हम 4 दिन पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपने आज से तीनों सब्जेक्ट्स पढ़े, ठीक है, अब आपने हिंदी पढ़ी, साइंस भी पढ़ी, मैथ भी पढ़ी, तो आप हिंदी आप 2 दिन बाद पढ़ेंगे, साइंस मैंने कितने दिन बोला था खुद भूल गया, 3 दिन बोला था शायद, तो 3 दिन बाद पढ़ेंगे, और मैथ आज से 4 दिन बाद। तो ऐसा कौन सा, कितने दिन बाद ऐसा मौका आएगा जब तीनों सब्जेक्ट्स आप एक साथ पढ़ रहे होंगे? तो क्या करेंगे, उन जो भी डेज दे रखे हैं उन सबका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ निकालते एलसीएम 21 आया, तो 21 डेज बाद साथ साथ देगा, और वो उस वाले क्वेश्चन में जो मैं ओरली समझा रहा था, जो भी दिन आएगा उतने दिन बाद आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है तो समझ लो ये क्वेश्चन आना ही आना है। हम हर क्वेश्चन जब हम बनाते हैं पेपर जरूर देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही कंपटीशन में भी आता था, इस टाइप के सवाल है ना, समझ लीजिए, समझ लो 5th स्टैंडर्ड में है ये, पहले कंपटीशन में आता था। क्या सवाल है पढ़ लीजिए, 3 वेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 10, 12 और 15 मिनट्स। 3 घंटी हैं, एक 10 मिनट बजती है, एक 12 मिनट बजती है, और एक 15 मिनट बजती है। मान लो ये क्या बोलते हैं उसे, अलार्म समझ लो, अलार्म समझ जाते हैं, अलार्म क्लॉक है, तो हर 10 मिनट अलार्म बजता है मान लो, है ना, ठीक है। पहली घड़ी का अलार्म 10 मिनट बाद, दूसरी का 12 मिनट बाद, जैसे आज बज गया मतलब अभी बज गया तो 12 मिनट फिर बजेगा, तीसरी घड़ी में अभी बजे तो 15 मिनट फिर बजेगा, जब भी बजे उसके 15 मिनट, ठीक है। इफ दे रैंग टूगेदर एट 8:30 AM, अगर ये तीनों एक साथ सुबह 8:30 पर बजी, तीनों घड़ी के अलार्म 8:30 पर एक साथ बजे, तो वेन दे विल रिंग टूगेदर अगेन, अब वो एक साथ कब बजेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जैसे ऊपर वाला सवाल था, क्या करेंगे 10, 12, 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। जितने भी आंसर आएगा तो उतने मिनट बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगे। टाइम पूछा है तो 8:30 है, अगर मान लो 30 मिनट्स आया तो 30 ऐड कर दो 9 AM हो गया, 45 आ गया तो 7 AM, जो भी आएगा निकालते हैं 10, 12, 15 का क्या निकालेंगे एलसीएम। ये सवाल दूसरे तरीके से भी आता है कि सिग्नल के रूप में आ जाता है कि 3 रेड लाइट हैं, पहली रेड लाइट 10 मिनट्स बाद होती है सिग्नल, दूसरे में सिग्नल 12 मिनट बाद होता है, तीसरे में 15 मिनट, अगर वो अभी मान लो 8:30 पर एक साथ सिग्नल हुआ, रेड लाइट हुई या ग्रीन लाइट हुई जो भी किया क्वेश्चन में, तो कितने घंटे बाद, तो सेम चीज़ हो जाती है, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, तो ये मैंने लिख लिया, फर्स्ट बेल रिंग्स एट 10 मिनट इंटरवल, सेकेंड बेल रिंग्स एट 12 मिनट्स इंटरवल, एंड थर्ड बेल रिंग एट 15 मिनट्स इंटरवल। ऑफ दे, ये भी लिख लेता हूँ, चलो दे रैंग, ये एक साथ कितने बजे बजी, दे रैंग टूगेदर एट 8:30 AM, अब कितने बजे एक साथ बजेंगे, तो कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी, वो क्या होगा इन तीनों का एलसीएम।
फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 मिनट्स 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। एलसीएम तो जानते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड से, 2 5 10, 2 6, और जिसमें नहीं जाता उसे एज इट ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, फिर 2 से 2 3, 15 में नहीं जाएगा तो ब्रिंग डाउन, फिर 3 से 3 1 3, 3 5 और लास्ट 5 से 1 1, क्लियर। तो इनका प्रोडक्ट एलसीएम होता है, तो एलसीएम ऑफ 10 12 एंड 15, देखो 2 2 टाइम्स है और 3 × 5, तो लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × 5, ये आ गया 60, यानी कि ये तीनों घंटियां आपस में कितने मिनट्स बाद होंगी, 60 मिनट्स बाद। तो लिख दो दे विल रिंग आफ्टर 60 मिनट्स, ठीक है ना, टू गैदर अगेन एक साथ। ये सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ रह गया। ये पूछा था व्हेन विल दे रिंग, कब बजेंगे, ये तो माना 60 मिनट बाद, कब का टाइम पूछा है, तो 60 मिनट का था बना, अभी कितने बजे बज रही थी, दे रिंग टूगेदर एट 8:30 AM, और 60 मिनट का बना तो 8:30 हैं सुबह के, तो एक घंटे बाद क्या टाइम होगा, 9:30 AM, है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, तो बस इतना टाइम लिख दो, दे विल रिंग एट, दे विल रिंग एट 9:30 AM टूगेदर अगेन। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, कंपटीशन में आया करते थे, बैंक के आ रहे हैं, SSC वगैरह कंपटीशन में आते थे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन बेस थे एलसीएम बेस पर, इनमें हमने दोनों में एलसीएम निकाला था। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये एचसीएल बेस पर है, क्या है समझाते हैं, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 कैंस कंटेन 12 लीटर 16 लीटर एंड 24 लीटर ऑफ मिल्क। तीन कैन है, पहली कैन में 12 लीटर मिल्क है, दूसरी में 16 है और लास्ट वन में 24 लीटर मिल्क है। अब मग इज फिल्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम ईच कैन, व्हाट इज द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द मग। एक मग लेना है, वो मैक्सिमम कितने लीटर का लें, ठीक है ना, जिससे कि सारे मिल्क हम मेजर कर सकें। इक्वल टाइम से मतलब, यहाँ इक्वल लैंग्वेज तो गलत लिख दिया है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर टाइम्स तो गलत, मतलब क्या है, हाफ ना रह जाए, ठीक है ना, कि हमने सपोज करो 2 लीटर का बना लिया तो इसको 6 बार हम मेजर कर सकते हैं, इसको 8 बार कर सकते हैं और इसको 12 बार, है ना। ऐसा ना हो कि हमने 10 लीटर तो नाप लिया, 11 नहीं पड़े तो नाप लिया, 1 लीटर बच गया, पॉइंट में ना है। तो जी क्या चीज़ होती है उनका एचसीएल, इस टाइप का सवाल देखो ऐसा भी आता है। मान लो हमने 3 तरह के पेन बनाए, एक ही बनाया, पेंसिल रबड़ इरेजर कुछ भी मान लो, ये 12 हैं, 100 हैं, कुछ 200 हैं, जो भी हैं। अब इनको हमें पैकेट रखने, पैकेट में रखना है और पैकेट में इक्वल नंबर रखने हैं कि हर पैकेट में 3 3 आए कि 2 2 आए। तो ऐसे नंबर पूछें कि हर पैकेट में क्या कितने पेन रखे हैं या कितने इरेजर, जिससे कि कोई भी एक्स्ट्रा बचे ना, तो वो सब होता है उनका एचसीएल। हम क्या करेंगे, इसका एचसीएल निकालेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जिससे डिविजिबल हो जाएगा। अगर जैसे मैंने एग्जांपल 2 बताया तो 2 से डिविजिबल, अगर इसका एचसीएल 2 है तो 2 से ये भी डिविजिबल होगा, 2 से ये भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, तो पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीनों को हम इजिली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मग इज फिल्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स से मेजर हो जाएगा, क्लियर। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स से मतलब ये नहीं है कि ये भी 3 बार में मेजर हो जाएगा, ये भी 3 बार में, 3 बार, ये इक्वल नंबर थोड़ा गलत लग गया लैंग्वेज, उससे मतलब है पूरा पूरा जो लीटर मांगेंगे हम मग लेंगे उससे नाप लिया जाए, 6 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3.5 1 हैंड 4 टाइम्स ऐसा ना है, ठीक है। तो क्या होता है इनका एचसीएल, तो हम इसमें एचसीएल निकाल लेंगे। चलिए करते हैं इसे, देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और आ जाता है। मान लो हलवाई की दुकान है, ट्रे देखी होंगी, मिठाई लगी रहती है ना, उसने रसगुल्ले बनाए 150 पीस रसगुल्ले बनाए, सपोज करो बर्फी बना ली उसने 200 पीस या 150, 180 जो भी हो,
और कोई मिठाई, केसर वाटी वगैरह जो भी है वो बना ली इसने। अब कहता है कि ईच ट्रे में कितने पीस रखे, ठीक है ना, इक्वल पीस रखेगा। इक्वल पीस से मतलब नहीं कि बर्फी और पीस है तो साठ 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 रखे, इक्वल रखेगा। एक ट्रे में अगर 30 पीस रख रहा है तो दूसरे में भी 30 रखेगा, तीसरे में 30 रखेगा, और सारी ट्रे जो है मिठाई बचे नहीं, इक्वल पीस आए। तो क्या करते हैं इस तरीके से हम SCF निकालेंगे, जो भी SCF आएगा उनका तो हर ट्रे में उतने उतने पीस रहेगा। उससे क्या होगा, सारी की सारी मिठाई उसकी हर ट्रे में आ जाएगी और कोई भी स्वीट उसकी बचेगी नहीं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो करते हैं, कैपेसिटी लिख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कैन या फर्स्ट कैन होल्ड ऐसे भी ले सकते हो, फर्स्ट कैन में कितना लीटर है, 12 लीटर। लीटर को शॉर्ट में एल लिख देते हैं, बताइए तो आपको, है ना। कैपेसिटी ऑफ सेकेंड कैन और सेकेंड कैन में है 16 लीटर मिल्क है और थर्ड में 24 लीटर। क्लियर। अब हमें वो मग बनाना है। अ मग इज फिल्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम ईच कैन, व्हाट इज द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द मग। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द मग विल बी देयर SCF, इनके SCF के अलावा विल बी देयर SCF या SCF ऑफ 12, 16 and 24। अब SCF हम किस मेथड से निकालें, यहाँ आपकी चॉइस है, किसी मेथड से निकाल लो। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइज मेथड से निकाल लें। 2 के फैक्टर करें तो 2, 2 जा 4, 3 जा 12, सो कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप ओरली नहीं आए तो आप सामने प्राइम फैक्टराइज मेथड से लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो। 16 के फैक्टर करें 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड द 24 के फैक्टर 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 15। ऐसे जानते हो जो तीनों में कॉमन फैक्टर हो उनका प्रोडक्ट SCF होता है। तो SCF ऑफ 12, 16 and 24, देखो ये टू तीनों में कॉमन है, ये आपको बुक में भी देता है, आप टीचर लोग भी समझाते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपको सर्किल में लिखनी है, लिख लिया। दूसरा हमने कॉमन ये समझाने के लिए अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखो तीनों में आ रहे हैं, हो सकता है आप थ्री यहाँ है, इसमें थ्री इधर होता बाई चांस तो सीधे तो आते नहीं, ऐसे थोड़ा घुमाते हैं ना, यहाँ थ्री है नहीं, वो एक अलग बात है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे शो करना है, और बाकी कोई कॉमन नहीं है, थ्री यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। और ये ऊपर तो कुछ है नहीं, टू यहाँ है तो टू यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, सब में होना चाहिए। तो ये टू और आ गया, तो इनका SCF कितना आ गया, 4 लीटर। तो यानी कि लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ मग कितनी होगी, 4 लीटर। तो बस लिख दो, लार्जेस्ट जो हम मग बनाएंगे लेंगे कितने लीटर का लेंगे, 4 लीटर का। लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द मग विल बी 4 लीटर। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा मैं समझा देता हूँ, हमारे पास 4 लीटर का मग आया। हम अगर इस मिल्क को मेजर करें 12 लीटर को, कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 का डिवाइड करो तो 3 टाइम्स, 3 बार में ये मेजर हो जाएगा कि इस वाले फर्स्ट कैन में 12 लीटर है। पॉइंट वन बचा नहीं कहीं, है ना, इसको भी मेजर करें, ये भी हो गया 4 टाइम्स, 4 4 16, 4 बार में आप 16 लीटर को मेजर कर लोगे। इसको करें 4 6 6 टाइम्स में, तो ऐसा नहीं आया कि 4 बार कंप्लीट हो गया, कुछ बचा नहीं, बचा कंप्लीट हो गया ना, ये 3 बार में मेजर हो जाएगा, 4 बार में, 6 बार में। क्लियर। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम क्या करते हैं, SCF निकालते हैं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हुई, और ये चैप्टर 3.7 तो एक्सरसाइज थी, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे वीडियो मेरी 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर डाल रखे हैं, शायद 4 चैप्टर नहीं है, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो 4 चैप्टर की ही आएगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।